लाइव 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 आर भी लाइव रूते हओ को मना लेंगे हेलो

हेलो हेलो हेलो हाय एवरीबॉडी हेलो 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 एवरीबॉडी सुन रहे मेरी आवाज हेलो एवरीबॉडी सुन रहे मेरी आवाज वॉइस इज क्रैक वॉइस क्रैक हो रही है ना हाँ वॉइस क्रैक हो रही है मतलब एक मिनट का टाइम दो एक मिनट का आई एम बैक है ना आज आज मैम बिल्कुल वापस आएगी और हमारी सही आवाज के साथ में मैम साउंड प्रॉब्लम है मैम साउंड प्रॉब्लम आई 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 नो 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 एक मिनट का टाइम दो बस मैं अभी यही रहना यही रहना इतने में फटाफट से रिवाइज करूंगी हमने क्या किया है और मैं बस अभी आ गई ठीक है आई थिंक माइक में कुछ प्रॉब्लम हो गया आ, वो देखा नहीं हमने पहले भी नहीं देखा यस 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 क्रैकिंग साउंड दो मिनट का टाइम दो हाँ दो मिनट का टाइम दो मुझे ठीक है दो मिनट का टाइम दो आई एम जस्ट बैक इन वॉचिंग हेलो 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 अभी दिख रहा है यार अभी आई थिंक अभी अभी साउंड क्लियर होनी चाहिए यार नहीं है ना अभी साउंड क्लियर है अभी साउंड क्लियर है यार <laughs> अभी साउंड क्लियर है yes. अभी क्लियर है यार ओके 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 थैंक यू थैंक यू सो मच गाइस एंड आई एम रियली रियली सॉरी हां आई एम रियली रियली सॉरी यार मेरी वजह से तुम्हारा सेशन इंटरप्ट हो गया एंड आई एम सॉरी एक्चुअली क्या है कि मैंने सोचा कि बिल्कुल सही वॉल्यूम के साथ ही तुम्हारे पास जाऊं यार हां सो दैट हमारा स्टडीज ना इंटरप्ट हो सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी थैंक यू सो मच थैंक यू टेक्निकल ग्लिच चलते ही रहते हैं यार ये हमेशा से ही चलते हैं आए हर है, चलते रहेंगे <laughs> और आपकी मैम के साथ तो चलते ही रहेंगे है ना उसको टेक्नोलॉजी कितने अच्छे से आती है तो तुमको पहले से ही पता है हाँ ठीक है चलो देखें ज़रा हमारे कौन कौन से बच्चे आ गए हैं और देखें ज़रा फटाफट से अभी ज़रा टाइम नहीं लेंगे इट्स ओके मैम कोई बात नहीं अंकिता देखो हमारी बच्ची अंकिता है थैंक यू सो मच अंकिता अंकिता समझती है हमारी अभिषेक पाठक नवनीत कुमार नवी गुड इवनिंग हाँ नवनीत तेरा मैसेज मिल गया था मुझे बेटा ठीक है नमस्ते मैम सात्विक है ना हाँ जी ठीक है ठीक है गुड इवनिंग गुड इवनिंग हम्म ठीक है चलो यार अब पानी पी रही हूँ मैं तुम्हारा वो एकदम सेट वेट करके सब सो so, थैंक यू बच्चा थैंक यू सो मच थैंक यू एंड थैंक यू इसलिए कि सब कुछ ये चला गया था साइड में फिर भी आने के लिए चलिए तो शुरू करते हैं शुरू करें फिर है ना क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया हमारे पास टाइम नहीं आज का हमारा सेशन थोड़ा लंबा है तो आज आप कुर्सी की पेटी बांध के रखिए बिकॉज आज हम लोग चलेंगे थोड़ी लंबी उड़ान पे, क्योंकि आज का सेशन है दो घंटे का ठीक है थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू एवरीबॉडी ठीक है तो कृपया कुर्सी की पेटी बांध ले हम चलेंगे आप भी अपनी फ्लाइट पे टिल नाइन पी ठीक है तो आज का सेशन है दो घंटे का चलेगा ना चलेगा चलेगा दो घंटे का सेशन है चलो भाई चलो चलिए थैंक यू सो मच गाइस एंड बच्चों ने मेरे सारे बच्चों ने मेरा ये वाला वीडियो जरूर देखा होगा मेहनत से अरे इतने कम हमारे इतने बच्चे देख रहे हैं और इतने कम लाइक ऐसे कैसे हो गया यार तो यार कहा अरे कहा चला गया अरे वाह ये आ गया है ना इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा अरे यार ठीक <laughs> है हाँ से यहाँ से देख लेते हैं तो यार इसमें ये वीडियो देखी है ना तुमने मेरी ये वाली ये वाली वीडियो कौन सी वीडियो तो एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका ये रहा ये वाली जो वीडियो है तो ये ना मैंने बहुत ही काफी रिसर्च करके बनाई थी और इसको जरूर यार तुम देखना मैंने तुमको बताया है कि एन को कैसे पढ़ना है ठीक है देखिए किस किस देखी है ये देख लिया ना सबने हाँ नित्या कुमार देख लिया है ये जरूर देखना हा

फटाफट तो से हाँ तुमको क्या करना है तुमको पता है तुमको क्या करना है अरे तुम कहाँ चले गए तुम कहाँ चले गए मुझे तुमको देखना था यार के okay, हाँ हियर हियर यू आर हाँ यहाँ पे है ना तो यार ये पता नहीं ऐड क्यों आती है है ना चलिए आई एम न्यू थैंक यू सो मच एंड आई कैन स्किप एडस जस्ट स्टार्ट अवर टूडेज एंड सी आर टी हाईलाइट ह्यूमन फिजियोलॉजी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बेटा हम लोग कर रहे हैं और इसमें अगर आपका क्वेश्चन है कि कितने क्वेश्चन आ जाते हैं तो इस खाली एक चैप्टर में से कम से कम चार से पांच क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं ठीक है तो फोर इंटू फोर आप लगा लो सोलह नंबर का इस क्वेश्चन से इस चैप्टर से आ जाता है तो चलिए शुरू करें चलिए बहुत दिन हो गया गाना नहीं सुनाया आप शायद मेरी वीडियोस देख नहीं रहे हो मैं गाना रोज सुनाती हूं मैंने अभी कल ही सुनाया है ठीक है चलिए शुरू करें फिर हाँ सत्य प्रकाश जय श्री अनुष्का और वंदना और हमारी सुषमा मोसरत ठीक है वेलकम 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 एवरीबॉडी तो चलो शुरू करते हैं बेटा आज का हमारा टॉपिक डाइजेशन एंड एब्जॉर्ब्शन एन सी दो चीजों की जरूरत होगी इसमें इनफैक्ट तीन चीजों की एक एन की बुक ठीक है एक एन की बुक एक हाईलाइटर या पेंसिल और एक अलग कलर का कोई पेन ठीक है ना दो आपको चाहिए होंगे एक हाईलाइटर या पेंसिल ले लो या दो अलग कलर के कोई पेन ले लो आपका काम बन गया है ना सबके पास ये बस ये चाहिए होगा तो सब्सक्राइब जो लोग नए हो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो रोज मिलना है ठीक है ना आ, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस इसपे सारे आपके नोट्स वगैरह आपको सब इन्फॉर्मेशन मिलती है इसको भी जरूर ज्वाइन कर ले रिपब्लिक डे पे बेटा एक हमारा बच्चों के लिए ऑफर चल रहा है

वो बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे कि यार सीबीएसई का भी कोई ध्यान रख लो भाई तो ऐसे बच्चों के लिए बेटा ये क्रैश कोर्स डिजाइन किया गया है जहां टीचर आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का टर्म टू का सिलेबस बेटा बिल्कुल कंप्लीट करा देंगे वहां से आप अपनी चिंता मुक्त हो जाओगे इस पे बेटा 50% ऑफ चल रहा है पहले आपने देखा होगा आई सेवन थाउजेंड का आई थिंक आपको टू या 2500 तक ऑफ मिल जाएगा इसमें तो एमएस नीट आप कूपन कोड इसमें लगा दें दूसरा क्रैश कोर्स हर मंडे को वेदांतों की क्रैश कोर्स की टीम बेटा एक नया क्रैश शुरू, कोर्स शुरू कर रही है जितना जल्दी क्रैश कोर्स शुरू करोगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा ठीक है दोनों साल का सिलेबस आपका कंप्लीट करवा देंगे आपको असाइनमेंट्स आपके डीपीपी आपके डाउट एनालिसिस आपके पेपर एनालिसिस सारा कुछ जो है इसमें वो है टेक केयर किया जाएगा

टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्बन उसके बारे आज का सुविचार एवरी मॉर्निंग यू हैव टू चॉइसेस गो बैक टू स्लीप एंड ड्रीम स्नूज अपने अलार्म क्लॉक को लगाओ स्नूज और सो जाओ दैट इज वन चॉइस यू हैव अनदर गेट अप एंड कैच अप योर ड्रीम्स जाओ और अपने सपनों को भाग के लेके आओ है ना हाँ तो आशाएं मिलेंगी आपको कब जब आप उठ के पढ़ोगे ठीक है चलो शुरू करें चलो शुरू करें चलिए शुरू करते हैं बेटा फटाफट फड़ से शुरू कर देते हैं एन सी हाईलाइट सीरीज और बेटा डाइजेशन एंड थ्री आज क्या है बेटा लेक्चर है हमारा शुरू करते हैं और ये आपका एन का पेज नंबर कौन सा है बेटा लिख के बता दो कौन सा पेज नंबर है ये वन टू फिफ्टी एट है तो मुझे पता है चैप्टर शुरू होता है बट ये चैप्टर मुझे ये एग्जैक्टली exactly नहीं पता मुझे कहां से है ये ये जो कौन से पेज नंबर है कौन सा पेज नंबर है जरा दिखाइएगा डाइजेस्ट मैं बच्चों को बता देती हूँ ना हमारे कई बच्चे परेशान भी होते हैं क्या कौन सा पेज है ये तो बेटा 261 पेज नंबर है ऐसा ऐसा आपको चित्र वहाँ पे दिख रहा होगा और इसके ठीक नीचे ये पैराग्राफ है तो ये पैराग्राफ लेके हम लोग बैठे हैं 200, 261 का लास्ट जो पैराग्राफ है चलिए शुरू करें चलिए शुरू करते हैं बेटा, डाइजेशन डाइजेशन ऑफ़ ऑफ़ फ़ूड, फ़ूड मैं मैं भी अपनी पोथी किताबें अपने सामने रख लूं ताकि कुछ मिस आउट ना करूं और हमारे बच्चे एकदम सब टाइम पे मिल जाए उन सबको हाँ चलिए शुरू करें चलो आइए जरा तो देखें बेटा अभी तक हम लोग क्या कर चुके हैं अभी तक हम लोग कर चुके हैं कि आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं और एलिमेंट्री केनाल के बारे में पढ़ चुके हैं पार्ट्स हमने पढ़ लिए हैं ठीक है आज हम लोग डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कहां कहां से हमारी फूड की डाइजेशन होती है तो आपको पता है बेटा हम कौन कौन सा खाना खाते हैं हम रोटी खाते हैं चावल खाते हैं मेजर फूड हमारे ये है कार्बोहाइड्रेट्स फिर हम खाते हैं प्रोटीन एग खा लेते हो दूध पीते हो अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो मीट खाते हो प्रोटीन हमको मिलता है ठीक है और तीसरा फैट हमको मिलता है उसके भी अलग अलग रिसोर्सेस ठीक है, है तो ये तीन चीजें हमको मिलती हैं ये हमें मेजरली क्या है डाइजेस्ट करनी है इसी के बारे में आज हमको पढ़ना है ठीक है स्टार्ट करते हैं तो चलिए द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकंप्लीस्ट बाय मकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस मकैनिकल बोले तो कहां पे मकेनिकल पता कौन सी है आपके टीथ ठीक है टीथ टीथ क्या करते हैं उसको कट करते हैं फूड को तो वो मैकेनिकल हुआ ठीक है केमिकल बेटा कौन सा हुआ है आपके इंजाइम्स आपके जो इंजाइम्स हैं वो उसको डाइजेस्ट करेंगे तो वो केमिकल डाइजेशन हो गया डन है ना ठीक है भाई नवनीत ज्योतिका बढ़िया है ठीक है चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि होता कहाँ है डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होती है तो सबसे पहले बेटा ये कहता है बक्ल कैविटी मतलब कि माउथ में दो मेजर फंक्शन परफॉर्म करती है आपकी बक्कल कैविटी द फर्स्ट इज योर मैस्टिकेशन ऑफ फूड मैस्टिकेशन का मतलब बोले क्या है कटिंग कटिंग ऑफ द फूड आपने बड़े बड़े चंक खाए उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर दिया एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वॉलोइंग और स्वालोइंग मतलब हमारी स्वालोविंग को क्या किया उसने एनहांस कर दिया डन है स्वालोविंग हमें मैस्टिकेशन में हेल्प किया और स्वेलोविंग में हेल्प किया देखो लाइन टू लाइन आपको जरूर पढ़ना है क्योंकि तो आपको क्वेश्चन यहीं से आएंगे उठा उठा के ठीक है अब इसको कहता है उसके बाद में आपकी टीथ और टंग ये टीथ एंड टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मैस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड एंडली तो टीथ का काम हुआ कटिंग और टंग का, का काम हुआ उसको मिक्सिंग ऑफ द फूड करना समझ में आ गया सबको उसके बाद है म्यूकस इन सलाइवा देखो सलाइवा है ना हमारा बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है यहां पे लिखा हुआ है देखो सलाइवा सिक्रिटेड इनटू द ओरल कैविटी कंटेंट्स क्या क्या होता है इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से सोडियम पोटाशियम, क्लोराइड बाई कार्बोनेटाइन एंड इसके अलावा एक और मैं ऐड करूंगी बेटा पे ऐड कर देती हूं प्लस थानेट आइन्स ठीक है तो ये भी इसमें एक चीज जो है वो ऐड ऐड कर लो ये सलाइवा का कॉम्पोजिशन है ठीक है डन अच्छा सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है बताओ तो जरा सलाइवा में कौन सा इंजाइम प्रेजेंट होता है हमारा बताओ बताओ शाबाश 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 विच इंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा चलो शाबा शब शब हम्म पे था यार ये आई थिंक ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई है ना सलाइवा में कौन सा इंजाइम प्रेजेंट है दैट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन वेरी 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 इजी क्वेश्चन दैट इज योर सलाइवरी यस सलाइवरी अमाइलरी नाउ वाई सलाइवरी अमाइलिज वर्ड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सलाइवरी अमाइलेज बेटा सॉरी अमाइलेज आपका पेंक्रियाज में भी मिलेगा पेंक्रियाटिक अमाइलेज उसको जिसको हम लोग कहते हैं ठीक है हाँ बिल्कुल सही जवाब तो बेटा वहां पे आपका जो मिलेगा एंजाइम दैट वुड बी सलाइवरी अमाइलेज ठीक है सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम भी होता है दैट इज योर टाइलिन क्या कहते हैं उसको टाइलिन भी कहते हैं टाइलिन भी कहते हैं बेटा ठीक है, है क्या काम होता है अब देखो आपने खाना खाया है ना अपने काब्स भी लिए प्रोटीन्स भी लिए फैट्स भी लिए क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी पुट अप किया जा सकता है कि सबसे पहले कौन सा बायो मॉलिक्यूल जो है जिसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है तो क्या आंसर होगा इसका आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है कि सबसे पहले हमारी बॉडी में कौन सा बायो मॉलिक्यूल की डाइजेशन जो है वो होती है वेरी गुड शाबाश वैष्णवी शर्मा के लिए तालियां हो जाएं शुभम के बादल दीपरा क्या बात है, है कहीं से एक्स्ट्रा स्टडी कर रही है हाँ दीप्रा? <laughs> इसे क्योंकि वो बिल्कुल आंसर आंसर दिया दिया मैडम देखिए कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही बढ़िया एंड टू बी आर डाइजेस्टेड इन दकलटी

दूसरा बोलस क्या होता है वॉट इज बोलस एक एक दूसरा क्वेश्चन निकल गया यहां से बोलस क्या है अगर मैं तुम्हारी जगह हूं तो मैं साइड में लिख लूंगी इसको हाँ बोलस क्या है वॉट इज बोलस तो आई थिंक टेंथ क्लास तक हम ये पढ़ते कि फूड इन साइड द ईसो फेगस इट इज नोन एज बोलस अब हमारी हाँ एनसीआरटी क्या कहती है अब ईसो फेगस में फूड कहां से आता है फूड आता है आपके माउथ से माउथ में फूड प्लस सलाइवा है राइट right? हाँ, तो यही तो लिखा है इन्होंने म्यूकस इन सलाइवा हेल्प इन लुब्रिकेटिंग एंड फूड पार्टिकल्स एडिंगलट जैसा बन जाता है और लहराता हुआ मूवमेंट ना क्या होता नेम दैट मूवमेंट आप उस मूवमेंट का नाम बता सकते हो मुझे कि क्या कहते हैं उसको बोलस वेन मूविंग डाउन इन द ईसोफेगस तो उसको जिग जैग लहराती हुई मूवमेंट को क्या कहते हैं शुभम के बादल के लिए तालियां हो जाएं भाई क्या बात है क्या बात है बहुत ही बढ़िया हम्म हम्म उस लहराती हुई मूवमेंट को हम लोग कहते हैं पेरिस्टालसिस क्या बात है बच्चों वाली तालियां हो जाए वेरी गुड वेरी गुड एक और क्वेश्चन आपने हिस्टोलॉजी ऑफ गट में तीन तरह की चार तरह की लेयर्स पड़ी हैं एस एम एस एम क्या मुझे बता सकते हो ये मूवमेंट सबसे ज्यादा किस लेयर की जो है ये बदौलत होती है इज इट सिरोसा इज म्यूकोज़ा और म्यूकोजा चलो शाबाश हाँ हाँ बताओ बताओ हाइरिस्टाल आपने बोला मैंने बोला हाँ ठीक है कौन सी लेयर की मूवमेंट है क्या बात है इसका हाँ अब हमारी अनुष्का क्या बात है

muscularis आपकी सेकंड लेयर है muscularis आपकी बेटा हिस्टोलॉजी ऑफ गेट में सेकंड लेयर है इसके दो मसल्स होती हैं कौन-कौन सी तो क्या बात है अलीवा मिश्रा के लिए तालियां हो जाएं भाई व्हाई रेप्लिकेट किया है मैम का कॉन्सेप्ट ऐज सच आई सी ऑल है ना मैम आई सी ऑल ऐसा कोई बच्चा नहीं है मोशरद वंदना वेदश्री नवनीत पल्लवी सब दिखते हैं मैम को यहां पे तो आई सी ऑल I C all <laughs> inner circular, outer longitudinal. क्या है inner circular, inner circular and outer longitudinal. ये बेटा हो गया हमारे इस मेमोनिक का विश्लेषण कहते हैं जो भी है ना मेरी हिंदी थोड़ी खराब है देख लेना। तो इनर circular एंड आउटर लॉन्गिट्यूडल तो ये हो गया हमारा ऑल याद रहेगा सबको मूवमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ठीक है देवेंद्र सिंह कोई बात नहीं अभी शुरू हो गया ना तो याद रखना इसको मेरा आई सी ऑल एंड मस्क्यूल की वजह से होती है आपकी पेरिस्टालसिस और पेरिस्टालसिस बेटा किस में हेल्प करती है बोलस की मूवमेंट में बाय द वे मैं आपको बता दू बाय द वे रिपीटिंग अगेन बता दू कि आपकी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ना खाली आपके इसोफेगस में नहीं होती है आपकी सारी की सारी एलिमेंट्री कैनाल में होती है लेकिन इसोफेगस में थोड़ी ज्यादा विजिबल होती है जैसे जैसे ये नीचे नीचे होता जाता है आपका जो फूड है वैसे वैसे इसकी जो मूवमेंट की इंटेंसिटी है वो कम होते जाती है ठीक है आपको क्या लगता है तो जो कॉलोन में जो सीकम से कॉलोन में जो फूड जाता है रेक्टम में स्टोर होता है उसके बाद में ये कैसे होता है सब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ही है ये याद रखना है ना ये भी बातें थोड़ी डीपर है, थो है बट पता है आपको तो अच्छा है बहुत अच्छा है आपके लिए ठीक है फर्स्ट टाइम मेडिकल में जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी है ना है ना फिर वाह वहां मैम को थैंक यू बोलोगे फिर मैम का इलाज भी करोगे जब मैम मैम तो बूढ़ी होने जा रही है अभी देखो बाल भी सफेद हो गए हैं यहां पे देखो ठीक है तो हम तो अपने बुढ़ापे का तैयारी कर <laughs> रहे हैं ठीक है तुम्हें पढ़ा के आओ चले आओ <laughs> खुशी हो जाएंगे अब ये है क्या भूल गया मैम आपने हा 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 हा। चलो हाईलाइट करते जा रहे हो ना इसको चलो अच्छा अब इसमें क्या बच गया हा, 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 मैं तो पूरा सेल्फिश है मेरा मैं तो तैयारी कर रही हूं जैसे बुढ़ापा है मैं जाऊँ और मेरे बच्चे बैठे हों वहां पे और मेरा इलाज करें चलो आप तो बेटा देखिए में इस फूट रहा है हाँ यहाँ पे एक और चीज है जो बड़ी बढ़िया सी है एंड uh, ये ये हम पढ़ चुके पेरिस्टालसिस के बारे में हम पढ़ चुके अभी हम कहानी इसी पे सारी मैंने जो आपको कहानी से बिना बेफालतू की सुनाई है सब इसी पे थी एंड द गैस्ट्रोईसो फेगर कंट्रोल द पैसेज ऑफ द फूड इन टू द स्टमक तो आपको ये पता होना चाहिए कि गैस्ट्रोईसो फेगल्स फिंस्टर होता कहाँ है ठीक है <laughs> <पत्थमीज> अनुष्का <laughs> तो गैस्ट्रोईसॉफे फिंस्टर होता कहाँ है सपोज आपका ये ईसा है एंड इट वुड बी योर स्टमक सो इट इट इज जस्ट लाइक दिसके नीचे यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन रहेगा और ये स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाके इंटेंगलू जाता है लाइक like दैट तो इस तरीके से होता है यहां पर अब आपकी एक और चीज है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रो इस दिस इज योर इसोफेगस ठीक है ये आपका इसोफेगस है ये आपका स्टमक पार्ट है ठीक है ना तो स्टमक को हम लोग गैस्ट्रिक पार्ट भी कहते हैं इसमें होते हैं तो दिस थिंग नोन दिस। क्या गया गया ये 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 समझ आ गया सबको ये आपका बेटा फंक्शन है इसका कि जैसे ही ये खुलता है बोलस इसमें जाता है यहां पे बैठता है और ये क्लोज हो जाता है ताकि बैक फ्लो ना हो फूड का ताकि क्या ना हो बेटा बैक फ्लो ना हो फूड का ठीक है अरे यार ये बड़ा शोर मचा रहा है हाँ। चलिए ये तो ये पार्ट हो गया बेटा आई एम श्योर ये क्लियर होगा आपको अब इसके बाद में चलते हैं बेटा हमारी अगली लाइन पे अगली लाइन क्या कहती है कि द सलाइवा ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं मैं हाईलाइट कर रही हूं उसको सिक्रेटेड इनटू द कैविटी उसमें क्या होता है ये होता है इंजाइम्स होते हैं होता होता है होता है एंड लाइजोजाइम बेटा लाइजोजाइम की प्रॉपर्टी क्या है और ये बॉडी में बहुत अलग अलग जगह मिलता है ये आपको जरूर पता होना चाहिए व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइजोजाइम बताओ व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइजोजाइम लाइजोजाइम की बेटा क्या प्रॉपर्टी मुझे बताओ आप जरा लाइजोजाइम की क्या प्रॉपर्टी है चलो आज यही सही हाँ, की क्या प्रॉपर्टी क्या बात है मिश्रा के लिए फिर से तालियां हो जाए अनुष्का के लिए एंटी बैक्टीरियल है ये क्या है बेटा एंटी बैक्टीरियल है ये बहुत ही बढ़िया दूसरा सवाल क्योंकि एग्जामिनर को बहुत मजा आता है किसमें कि यहां से वहां घुमा घुमा के वो कॉन्सेप्ट को पूछे तो हाँ हाँ बिल्कुल बहुत बैक्टीरियल सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है बिल्कुल सही जवाब है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में एक और सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लाइजोजाइम सिक्रीट करते हैं क्या नाम है उन सेल्स का हमारे ही डाइजेस्टिव सिस्टम में एक और तरह के सेल्स होते हैं जो कि लाइजोजाइम सिक्रीट करते हैं बेटा बताइएगा जरा क्या बात है भाई रिनी रिंकी साहू के लिए तालियां हो जाए मीनल हा मीनल के लिए तालियां वेरी गुड वेरी गुड नाम है पैनेथ सेल्स नाम क्या है पैनत सेल्स नाम है ठीक है

हाँ अगला अगली लाइन बहुत सिंपल सी है अगली लाइन में कुछ ज्यादा नहीं है उसमें थोड़ा ऐसा थोड़ी फैंसी लैंग्वेज में ये लिखा है कि देखो बच्चों ये जो कार्बोहाइड्रेट की ये जो हाइड्रोलिटिक एक्शन इस पे होता है हाइड्रोलिटिक एक्शन पता है ना आपको कि क्या होगा बिकॉज कौन से बॉन्ड्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में पॉलीसेक्राइड्स में कौन से बॉन्ड्स होते हैं

उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने की आपको पता है ना वो बॉन्ड बनता कैसे है डिहाइड्रेशन से है ना डिहाइड्रेशन से उसको तोड़ने के लिए नाउ वी आर एडिंग द तभी ये कह रहा ना द द केमिकल प्रोसेस डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी बाय द हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग इंजाइम है ना स्प्लिटिंग इंजाइम जिसका क्या नाम है बेटा सलाइवरी है ना जिसका क्या नाम है सलाइवरी अमाइलेज समझ में आ गया सबको समझ आया सबको सलाइवरी एमाइलेज नाम है उसका अब समझ लो अगर उसको तोड़ने के लिए वी नीड वाटर तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम हमारा कौन सा है हमारा सलाइवरी अमाइलेज दूसरा नाम है इसका टाइलिन तभी मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ना बायोमोलिक्यूल चैप्टर को पढ़ा होना थोड़ा ज्यादा जरूरी है ठीक है हाँ जी बिल्कुल सही तो ये दीपरा बत्रा हाँ कहाँ दीपरा

में नहीं मतलब ठीक है ये क्लियर हो जाना ये 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 पे तो ये छोड़ना क्लियर हो जाना चाहिए ऑप्टिमम पीएच जो होती है 6.8 तो बेटा इसको स्लाइटली एसिडिक कहेंगे बेसिक कहेंगे इसको स्लाइटली एसिडिक कहेंगे स्लाइटली बेसिक कहेंगे इसका आंसर बहुत सिंपल है क्या कहेंगे इसको इसको कहेंगे स्लाइटली एसिडिक क्या कहेंगे इसको स्लाइटली एसिडिक हम्म स्लाइटली एसिडिक पूरा एसिडिक नहीं स्लाइटली एसिडिक कहेंगे इसको हाँ स्लाइटली स्लाइटली एसिडिक कहेंगे अरे सिंपल सी बात है स्केल है ना सेवन न्यूट्रल ऊपर ऊपर मान तो 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 पे पे रख देते हैं इसके इसके वाले सारे सारे एसिडिक एसिडिक हुए हुए और इसके नीचे वाले सारे बेसिक तो अगर हुआ तो यहाँ पे में पूछा जा सकता है कि भाई आपको एक ग्राफ दिया हो सपोज आपको क्वेश्चन कभी हमें सीधा थोड़ी ग्राफ दिया है आपको और एक एंजाइम दिया है और इसकी जो है ना इंट एट पे मतलब इसकी बिल्कुल पूरा सिक्स पॉइंट मान लीजिए यहां पे पी एच ई दी हुई है तो इसका पूरी के पूरा जो है इसका फुल इस पर काम कर रहा है ये तो आपको पूछा गया है कि ये कौन सा एंजाइम है नंबर 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 ट्रिप्सिन सलाइवरी तो क्या आप बोलोगे कौन सा एंजाइम है ये सिक्स पॉइंट एट पे कौन काम करता है बेटा आपका सलाइवरी अमाइलेज क्यों ये इसकी ऑप्टिमम पीएच है ऑप्टिमम पीएच एक ऐसी पीएच होती है जिस पे जो इंजाइम है सबसे ज्यादा बढ़िया काम करता है समझ में आ गया ऑप्टिमम पीएच एक ऐसी पीएच है इंजाइम सबसे ज्यादा बढ़िया काम करता है लाइक फॉर एग्जांपल कि जैसे कि तुम लोग हो जितना अच्छे से तुम पेपर के पिछले दिन <laughs> पिछले दिन मैं बोलूंगी पिछले दिन नहीं पढ़ना चाहिए पेपर से एक हफ्ता पहले पढ़ते हो जिस स्पीड से आपको याद होता है उतना चार पाँच महीने तो पहले होता नहीं ना कि होता है कोई ऐसा है बिरला तो मुझे लिख के बता दो यहाँ पे आपने देखा आपने ऑटोमेटिकली स्पीड इंक्रीज हो जाती है ऑटोमेटिकली आपने पता नहीं कहा से कोई तो आत्मा आ जाती है एंड यू जस्ट ट्राई टू गल्प गल्प गल एवरी थिंग एकदम फास्ट स्पीड पर दौड़ने लगता है आपने देखा ऐसा हाँ बिल्कुल इंसान के साथ भी ऐसा ही होता है <laughs> तो एंजाइम के लिए इट इज जस्ट लाइक दैट ओनली एकदम सही दैट इज ऑप्टिमम टाइम फॉर यू एंड दिस इज ऑप्टिमम टाइम टेम्परेचर सॉरी पीएच फॉर देम जस्ट लाइक दैट टाइम आ गया सबको डन चलो आगे चलते हैं अब ये अभी तुमको समझ में आ गया है बिकॉज़ एनीवेज सो बेटा ये आपका स्टार्च आ, है जो सबसे पहले आपका हाइड्रोलाइज हो रहा है पीएच 6.8 है माल्टोज तो यहां पे एक चीज आप लिख लें बेटा कि ये है आपका पॉलीसेकेराइड पॉलीसेक्राइड मतलब मल्टीपल शुगर हैं जिसमें मल्टीपल मतलब कि दस नौ से ज्यादा शुगर हैं नौ से ज्यादा ग्लूकोज या फिर बोनोसेक्राइड यूनिट जुड़े हुए हैं और ये आपका क्या है बेटा ये आपका है आपका डाइसेक्राइड तो बेसिकली पॉलीसेक्राइड्स को तोड़ रहे हैं बेटा डाइसेकर में समझ आ गया सबको डन चलिए अब अब ये कहता है म्यूकोजा ऑफ द स्टमक ग्लैंड्स एक बार सुनना मेरी सब लोग हाँ ध्यान से सुन रहे हैं ना आपके जितने भी ग्लैंड हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं चाहे इंटेस्टिनल ग्लैंड हैं या कोई और भी ग्लैंड हैं जो कि आपकी एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट हैं वो कौन सी लेयर में प्रेजेंट होंगे आपके म्यूकोजा में सिर्फ म्यूकोजा बिकॉज आपकी चार लेयर्स हैं सिरोसा मस्कुलरिस सब म्यूकोजा और म्यूकोजा सिवाय एक आपके सिर्फ एक ग्लैंड को छोड़ के जो आपका सब म्यूकोजा में प्रेजेंट है हाँ सब हाँ सारे ग्लैंड आपके म्यूकोजा में ही हैं हाँ मिकोजा में हैं बिल्कुल लेकिन एक आपका ग्लैंड है जो सब म्यूकोजा में है सब म्यूकोजा में कौन सा है वेरी गुड शाहबाश रिंकी ने अभी आंसर लिख दिया क्या सब म्यूकोजा में कौन सा है ब्रनर्स ग्लैंड बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का ब्रनर्स ग्लैंड डिओडिनम की सब म्यूकोजा में प्रेजेंट होता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे ठीक है ध्यान रखना ऐसी चीजों को लिख लिया करो यहाँ पे है ना मैं तुम्हारी जगह तो लिख लेती हूँ बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूकोजा ऑफ द स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड क्वेश्चन आपको एग्जाम ऐसे ही पूछेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड इज प्रेजेंट इन म्यूकोजा सब म्यूकोजा सिरोसा और मस्कुलरिस समझ मेरी बात को। आपको आपको से भी क्वेश्चन आ जाएगा। बेटा देखते हैं कौन -कौन से हैं हैं कौन-कौन सेल्स सेल्स, ये। सबसे पहले हैं आपके म्यूकस नेक पता होना चाहिए इन म्यूकस सेल्स का एक और नाम भी होता है क्या नाम होता है इनका शाबाश। इनका नाम होता है एक और, क्या होता है गॉबलेट तो इसके अकॉर्डिंग नेक सेल्स नाम है म्यूकस नेक सेल्स नाम है या म्यूकस सेल्स कह दो या फिर गॉब्लट सेल्स कह दो ठीक है डन बहुत बढ़िया नेक्स्ट चलते हैं बेटा हमारा पेप्टिक और चीफ सेल्स पेप्टिक और चीफ सेल्स देखो इसके दो नाम हो गए कभी कभी आपको पेप्टिक नाम आ जाएगा कभी कभी आपको चीफ नाम आ जाएगा तो बेटा ये क्या सीक्रेट करता है आपका प्रो इनजाइम पेप्सिनोजन ठीक है प्रो इनजाइम पेप्सिनोजन अब जब किसी भी वर्ड के पीछे ओजन लगा है ध्यान से सुन रहे हो ना तो मेरी बात को किसी भी वर्ड के पीछे ओ ओजन लगा है और यहाँ पे प्रो वर्ड भी लगा है मतलब भैया ये इनक्टिव है। ये क्या है अभी? इनक्टिव है है क्या अभी कुछ तो होगा जो इसको एक्टिवेट कराने में हेल्प करेगा तो वर्ड ओजन किसी भी कहीं पे भी देखना और प्रो वर्ड दैट मीन्स दे आर इनएक्टिव समझ में आ सबको ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और तीसरा कहता है ऑक्सिंटिक सेल्स पेराइटल भी वही है ऑक्सिंटिक भी वही है आपको पता है, है। खाली याद रखो पेराइटल और ऑग्जेंटिक सेल्स चीफ सेल्स या फिर आपके पेप्टिक सेल्स या इनको एक और सेल्स के नाम से भी कहते हैं जाइमोजन सेल्स भी कहते हैं वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे हाँ इसको क्या कह देते हैं बेटा देती जगह नहीं है इन सेल को जाइमोजन सेल्स भी कह देते दे दे हैं रखना है, ठीक है हाँ, सेल्स भी हैं। तो ध्यान में रखें और तीसरा इसको नहीं भूलना है आपने ऑग्जेंटिक सेल्स पेराइटल जो क्या सिक्रिएट करते हैं एच सी एल एच सी एल सिक्रिएट करते हैं और दूसरा एक इंट्रेंसिक फैक्टर सिक्रिएट करते हैं जिसको हम कैसल्स इंटरसिक फैक्टर कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं सी आई एफ कैसल्स फैक्टर है CIF, है ना castle होता है ना कैसल कैसल होता जो castle देखने वाला का बारबीडोल का वैसा टाइप्स तो वो वाला कासल कैसल्स इंट्रेंसिक फैक्टर है ना इंट्रेंसिक फैक्टर इसको हम कहते हैं ये बेटा क्यों किस लिए जरूरी है ये जरूरी है हमारी विटामिन बी ट्वेल्व की एब्जॉर्बशन के लिए तो कितने सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं यहाँ से कासल इंट्रेंसिक फैक्टर बेटा हमारा जरूरी है किसके लिए विटामिन बी ट्वेल्व के लिए, लिए. अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो वेजिटेरियन लोग होते हैं मुझ जैसे ठीक है ना मैं नहीं मैं प्रॉपर वेजिटेरियन वीगन लोग होते हैं वीगन वीगन जो प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं मतलब घी वगैरह भी नहीं खाते हैं दही वगैरह भी नहीं दूध वगैरह भी नहीं पीते हैं तो उनमें बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी आ जाती है ठीक है ना बाकी नॉन वेजिटेरियन लोगों में आराम से ये मिल जाता है आई थिंक ये गोट मीट से मिलता है लिवर से बेसिकली गोट लिवर से एंड दूसरा जैसे हम मुझे जैसे लोग हैं जो शाकाहारी हैं बेसिकली अब लेकिन दूध और दही खा लेती हूँ भाई और घी भी खा लेती हूँ सो दैट उनको ये कर्ड में मिल जाता है ठीक है विटामिन बी ट्वेल्व लेकिन जो वीगन लोग होते हैं इनको थोड़ा मिलना ये मुश्किल होता है तो एक बार एम्स में ये क्वेश्चन आया था एम्स के एग्जाम में आई थिंक काफी टाइम पहले कि uh, ये जो विटामिन बी ट्वेल्व का प्लांट्स का सोर्स कौन सा है कौन सा है? क्या बात है रिधिमा वेरी गुड बहुत, बहुत ही बढ़िया स्पाइरोना है ना ये कौन सा आपका सिंगल प्रोटीन है आपका है ना सिंगल 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 सेल प्रोटीन सिंगल सेल प्रोटीन है एस सेल प्रोटीन है एस सी पी है ये हाँ सिंगल सेल प्रोटीन है uh, तो ये आपका उसका सोर्स है ठीक है हाँ मेरा पुराना क्वेश्चन है ये बिकॉज है ना आता रहा है पेपर में और आता रहेगा आगे भी सो दैट्स माई क्वेश्चन बी ट्वेल्व एनी वेज तो ये हुआ बाकी यहाँ से एक दो क्वेश्चन और निकल जाते हैं तो बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन ये निकल जाता है मैं अभी बता देती एक्सीएल का काम जो आपका पेप्सिनोजन था ना बेटा उसको एक्टिव करके पेप्सिन बनाना ठीक है एक तो ये काम हो गया एक आपके कन्वर्ट करना. करना आपको पता है ना आप जो आयरन खाते हो है ना फेरिक आयन को फेरस आइन में कन्वर्ट करना सो so, एफ्री को एफ्री प्लस को एफ टू प्लस में कन्वर्ट करना फेरस आइंस में कन्वर्ट करना ठीक है तो जो हम आयरन लेते हैं ठीक है वो आ, फेरिक की फॉर्म में मिलता है उसको हमें फेरिस में कन्वर्ट करना पड़ता है अदरवाइज किसी काम का नहीं वो हमारे लिए यूज नहीं होगा आपको पता है ना ब्लड इसमें फॉर्मेशन में हेल्प करता है ब्ला ब्ला ठीक है दैट इज नंबर वन दूसरा हाँ एक और क्वेश्चन यहां से क्या निकलता है बेटा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व आप मानोगे या अरे यार मैं तो वीगन हूं भाई मुझे तो फर्क नजर नहीं आ रहा है क्या फर्क पड़ता है अगर मैं विटामिन बी ट्वेल्व नहीं बिखाऊं तो तो क्या हो जाएगा पेरिनिशियस अनिमिया ठीक है so, सो विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी से बेटा हमको क्या हो सकता है पेरिनिशियस अनिमिया हो सकता है पेरिनिशियस अनिमिया हो सकता है ठीक है पेरिनीशियस अनिमिया हो सकता है प्लीज नोट दैट डाउन डेफिशियंसी ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व कैन लीड टू पेरिनीशियस अनिमिया ठीक है बेटा ठीक है आई थिंक इट इज डन राइट ठीक है हाँ ये मैच्योरेशन में हेल्प करता है ना सो so, ये आपके जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं इरिथ्रोसाइट्स की मैच्योरेशन में हेल्प करता है विटामिन बी अगर ये नहीं होगा तो पेरिनीशियस अनिमिया जो है वो हो सकता है ठीक है नॉन वेज खा के भी विटामिन बी कम है तो फिर ढंग ढंगा नॉनवेज खाओ है ना वैसे गो गोट लिवर में भी कहते हैं कि गोट लिवर इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व और इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब जाओ और बस यही खाने शुरू हो जाओ तो इतना भी नहीं चाहिए होता है आपको आराम से थोड़ा बहुत ही चाहिए होता है दैट यू विल गेट अदरवाइज बाजार में सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल है भाई ठीक है ना इवन इवन आई ऑल्सो गॉट शॉर्टेज है ना विटामिन बी का हो गया था मुझे बीच में तो आई ऑल्सो टुक सप्लीमेंट्स कहाँ खाते हैं यार सर्दियों में दही भी तो नहीं खाया जाता करे भी तो क्या ठीक है हाँ तो ये हो गया अभी बहुत यार घचपच हो गई थी इसलिए मैंने हटा दिया इसको Anyways, so सारे क्वेश्चन जो है यार इस पोर्शन uh, से तो निकल गए और अब आगे चलते हैं यार कि अब <laughs> अब चलते हैं आगे चल चलो हंसो हस, मत अब वापस आओ हाँ अब इसको कंप्लीट करना है स्टमक स्टमक के अंदर फूड uh, को क्या कहते हैं द फूड इन साइड द स्टमक इज नोन एज काइम द फर्स्ट बोल्ड लेटर द फूड इन साइड द स्टमक दोनों तरफ से बंद होता है ऊपर से गैस्ट्रोइोफेगर लगा होता है नीचे से पाइलोरिक तो दोनों दरवाजे बंद होते हैं स्टमक के अच्छी खासी चर्निंग होती है वहां पे, म्यूकस भी सीक्रीट हो रहा है एंड द होल चर्निंग इज है स्टमक इज हाइली एसिडिक एंड नोन एज काइंड इसको यही कहते हैं ठीक है तो चार से पांच घंटे स्टोर करता है स्टमक खाना उसके बाद वापस उसको भेज देता है इंटेस्टाइन में द फूड थरोली विद गैस्ट्रिक जूस एंड चर्निंग मूवमेंट इसको हम क्या कहते हैं कायम कहते हैं ठीक है फूड प्लस गैस्ट्रिक जूसेस इसको हमने बोल दिया कायम हां ठीक है थैंक यू वेरी मच साक्षी मिश्रा जी बिल्कुल सही लिखा है आपने चलिए अब बेटा इसको इसका लाइन का जो है सार यही है द प्रो इंजाइम पेप्सिनोजेन जो होगा बेटा है ना ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं पेप्सिनोजेन जो होगा बेटा एच सी एल की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा और पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिव इंजाइम ये एक प्रोटीएज है प्रोटीएज का मतलब क्या है ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ये प्रोटीन को तोड़ेगा ठीक है ये क्या तोड़ेगा प्रोटीन को तोड़ेगा समझ आया है ना तो ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के है ना एक्सील के उससे ये हो गया इनटू द एक्टिव इंजाइम ब्ला 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 एंड ये प्रोटीन्स को यहाँ पे लिखा भी है उन्होंने पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू प्रोटीओजिस एंड पेप्टोन्स मैं तुम्हारी जगह आती तो उसको डबल हाईलाइट करती कि ये जो आपका पेप्सिन है ये बड़े बड़े प्रोटीन यूनिट पे एक्ट करेगा और इनको पेप्टोन्स एंड किसमें कन्वर्ट कर देगा प्रोटीओज में प्रोटीओज में इसमें कन्वर्ट कर देगा मैं आपको ऐसे लिख लेती इसको ठीक है कि प्रोटीन्स को तो ये पेप्सिन पेप्टोन्स और प्रोटीज में कन्वर्ट कर देगा पीएच क्या रहेगा इसका वो इंपॉर्टेंट बात है यहां पे एसिडिक पीएच होगा या बेसिक पीएच होगा पीएच वुड बी हाईली एसिडिक आई थिंक पेप्सिन का ऑप्टिमम पीएच कितना होता है आई थिंक 1.4 होता है आई थिंक है ना यहाँ पे लिखा होगा या 1.8 है क्या लिखा है आपके एनसीईआरटी लिखा होगा अरे पीएच 1.8 1.8 1.8 पीएच ये क्वेश्चन आ, आ सकता है आपको देखो कहने को बड़ी सिंपल सी बात है कि क्या ही पूछ लेंगे इसमें से लेकिन आ सकता है 1.8 लिखा हुआ है यहां पे ये देखो ऑप्टिमम पीएच तो ये देखो यहां पे लिखा हुआ है बेटा ये देखो यहां पे लिखा हुआ है एच सी एल प्रोवाइड द एसिडिक पीएच द ऑप्टीमल फॉर पेप्सिन जहां वर्ड ऑप्टीमल लिखा मतलब ये इसके पेपर से पहले का टाइम है ये बिल्कुल सही काम करेगा तो आपको पता होना चाहिए जैसे पीएच इससे ज्यादा बढ़ी तो इसका ग्राफ नीचे आ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा बैनशिप ग्राफ हो जाएगा ये ठीक है वन पॉइंट नहीं बेटा वन है आपकी एन आपकी भगवान है जो उसमें लिखा है तुम साक्षात उसको भगवान मान के सब अपने दिमाग में घुसा लो वैसे का वैसा रेप्लीकेट कर दो छाप लो दिमाग में ठीक है आप सही हो या गलत हो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी एनसीईआरटी एकदम सही है वही आपकी भगवान है वही आपकी मंदिर पूजा ठीक है ना वही आपका सब कुछ है ठीक है तो उसको आपने सब मान के चलना है हाँ तो यही है एनीवेज तो ये इसकी कहानी खत्म हो गई इसके अलावा कुछ और है चलो ये लाइन आपके बस एक काम की है ये पेपर में आने वाली तो नहीं है लेकिन आ, आ, मैं बता देती हूँ कि इसका क्या मतलब है और आई थिंक आपको पता भी होगा जब भी हमारे स्टमक में एच सी करना होगा तो बेटा एच अगर ऐसे ही सिक्रेट हो जाए तो स्टमक की वॉल को तो एकदम जला के राख कर देगा वो एक्सकोरिएशन यही मतलब होता है एक्सकोरिएशन का यहाँ पे मतलब जला वला देगा अल्सर अल्सर हो कर देगा इसलिए पहले जरूरी है कि हमारी स्टमक की वॉल प्रोटेक्ट हो दैट इज वाई फर्स्ट ऑफ ऑल योर नेक सेल्स ये जो म्यूकस नेक सेल्स है ना विथ सीक्रेट म्यूकस ये स्टमक की लाइनिंग को कवर कर लेते हैं ठीक है अगर नहीं करते हैं तो फिर तो गए फिर वो होते ना हार्ड बर्न एसिडिटी होती है बहुत ज्यादा है ना होती है ना फिर आपको वो इनो इनो का एड आता है ना तुरंत तो शक्ति नहीं वो तो कोई तो ग्लूकॉन्डी है एनीवेज दो मिनट में राहत पाए वो भी है जो भी है

दिल के आसपास जल रहा है वॉट इज दैट वो फ्यूम जो है वो स्पिस्टर होता है खुल जाता है गैस्ट्रोइोफेगल वो फ्यूम्स जो होते हैं आपके इसोफेगल्स में आ जाते हैं एंड दैट्स लाइक ओके हार्ट इज बर्निंग है ना हार्ट बर्न तो हार्ट बर्न नाम दिया गया है उसको वैसे वो हार्ट बर्निंग नहीं है ठीक है हार्ट के आसपास ऐसा लगता है कि यहां से है ना होता है ना होता है, है, है? हाँ मुझे हो जाता है अक्सर मुझे एसिडिटी थोड़ी जल्दी होती है आई डोंट नो कैसे बट होती है एवरी नाउ एंड देन आई हैव टू पॉप अ पिल एंटासिड इज बैड विच इज बैड हाँ करना नहीं चाहिए बट क्या करें अब करना पड़ता है तो so, चलो हम तो बूढ़े हो गए कोई बात नहीं सोके तुम तो अभी जवान होने जा रहे हो ठीक है ना तो तुम अपने में गलत आटने डाला क्या खाना बेसिक खाना खाना बेसिक बेसिक खाने का मतलब है एल्कलाइन फूड खीरा टमाटर है ना कम स्पाइसी खाना बेसिकली इन शॉर्ट वो आपका आपके आपके शरीर के साथ में मैच करता है मतलब हमारी जो बॉडी है ना वो एल्कोलाइन फूड को थोड़ा ज्यादा अच्छा मानती है नीस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से तो रेनिन बेटा ये रेनिन इज अ प्रोटीओलाइटिक एंजाइम फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स क्या कहता है ये जो रेनिन है और कृपया स्पेलिंग की तरफ ध्यान दें कृपया स्पेलिंग की तरफ ध्यान दें आर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आर ई डबल एन आई एन बिकॉज आर ई एन एन आई न ये किडनी सी करती है ये किडनी सिक्रिएट करती है रा सिस्टम में इसको ध्यान रखना इसको हम पढ़ेंगे जब हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे लेकिन ये रेनिन एक ऐसा इंजाइम है जो हमारे इन्फैंट्स में इन्फैंट्स बोले तो क्या इन्फैंट्स होते हैं बेटा हमारे एक साल से कम उम्र के बच्चे जीरो टू वन ईयर के बच्चे बारह महीने से तक से पहले वाले बच्चों में ही सीक्रेट होता है क्योंकि उनकी मेजर डाइट क्या है मिल्क तो ये मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करता है मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में बेसिकली हेल्प करता है विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द मिल्क प्रोटीन स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस आर आल्सो सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ठीक है ना हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही बात तो रेनिन इसमें हेल्प करता है मैं आपको बताऊं जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे ना एक-एक करके तो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे ये हेल्प कर रहा है ये

एक्ट करता है ठीक है और मिल्क प्रोटीन हाँ प्रो रेनिन प्रोरेन अच्छा <laughs> ठीक uh -huh. है Cazin. Cazin आपका मिल्क प्रोटीन होता है बेटा दिस इज योर मिल्क प्रोटीन ठीक है मिल्क प्रोटीन है बेटा इसको ये रेनिन पैराजिन में कन्वर्ट कर देता है जिसको हम कर्डलिंग मिल्क कहते हैं अगर आपने छोटे बच्चों को कभी गोदी में लिया हो ना तो हमें देखा है वो उछाली सी कर देता है उछाली हमारे पहाड़ी में तो उछाली कहते हैं I don't know, आपके में क्या कहते हैं so, सो एज बर्ड बेसिकली है ना अगर आप थोड़े ऐसे ही हाई फाई टाइप्स हैं तो आपको ये पता होगा जरूर बर्ड है ना ऐसे so, वो ऐसे, ऐसे कर देता है तो मतलब वो कर्डलिंग ऑफ द मिल्क बच्चे के मुँह से आता रहता है देखा है आपने कभी ऑब्जर्व किया है उल्टी कर देता है जो भी अपनी लोकल लैंग्वेज में नो कि तुम क्या ही बोलते हो ठीक है सा so so कर देता है सो दट वो बेसिकली केजिन को पैराकेसिन में कन्वर्ट कर देता है राइट ठीक है समझ में आ गया सबको है ना हा पैराजिन को अल्टीमेटली जो प्रोटीन और पेप्टोन सॉरी पेप्टोज पेप्टो जो में जो कन्वर्ट करता है वो आपका पेप्सिन ही करता है ठीक है ये इसका चेन रहेगा राइट right? बाकी आपको कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या गैस्ट्रिक ग्लैंड में कोई लाइपेज जो है वो सिक्रीट होता है तो आपका आंसर होगा जी हाँ बिल्कुल होता है स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लाइपेजेस आर आल्सो सीक्रीटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बट इट कैन यू टेल मी बाय अभी तक आपको अभी तक आप मुझे बता सकते हैं कि अभी तक आप इतना जान गए हैं कैन यू टेल मी वाई द लाइपेज डजेंट वर्क ह्यूर प्लीज टेल मी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो लाइफेजेस सीक्रीट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड में ये काम क्यों नहीं करते हैं यस mm -hmm. yes, मत बोलो मत नाम बताओ नॉट द ऑप्टिम पी एच वेरी गुड वैष्णवी ने आंसर लिखा है अनुष्का का मैसेज क्यों अनुष्का तेरा मैसेज क्यों डिलीट कर सही लिखा था यार हाँ ah, बिल्कुल बिकॉज लाइफेजेज डीएच नीट द बेसिक पी एच तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना तुम्हारे सामने कोई बीन बजा दे, तुम कितनी भी मोटिवेशनल जब तक ये तलवार सर पर लटक के नहीं आ जाती है नीट के पेपर की जो डेट है अनाउंस नहीं हो जाती है जिसमें कमी बच्चों में आती है खराब बात है बट क्या करेंट है <laughs> ठीक है तो लाइक दैट एनी वेज मूविंग ऑन तो बिल्कुल सही बात है और चलते हैं आगे और अभी तो हमारा अभी हमें काफी लंबे टाइम भी जाना है अभी हाँ नॉट ऑप्टिम भी है सो so, बेसिकलीयर क्योंकि नीट का एग्जाम तो भी बहुत दूर है अभी तो डेट भी नहीं आई है अरे अभी तो बहुत महीने हैं ओ क्या बात है ऑगस्ट कल गैस किया था यार यूपी सर ने अंबिका मैम ने और मीनाक्षी मैम ने मिल मिल के ऑगस्ट है यार क्या फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई भाई साहब छ महीने क्या बात कर रहे हो? ऐसे ख्याल आते होंगे तुम्हें भी बट ऐसे ख्याल आने नहीं चाहिए चले अगले पन्ना पन्ना पलटी अपना और आ जाइए पेज नंबर टू सिक्सटी टू पे टू सिक्सटी टू पे हाँ टी, टू सिक्सटी टू पे क्या क्या, क्या, क्या कह रहे हो बदतमीज क्या तुम? हो गया <laughs> ये ये ऐसे ऐसे तुम्हें ऐसे जागरूक करने के लिए बीच में ऐसे ऐसे नाटक करने पड़ते हैं ताकि तुम लोगों को ऐसे ऐसे से दिखता रहे सामने उफ ओ मैं ये कर रहा हूँ नो ये सही नहीं है तो लाइक दैट चलो अब अच्छा हाँ क्या कह रही है क्या कह रही है वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलर लेयर वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट से हमारा तात्पर्य है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तो पहली लाइन को डिकोड करते हैं यार आ जाओ सो वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाई द स्मॉल लेटेस्टाइन तो आपको बेटा हम मैंने पहले ही बताया है आई सी ऑल इंटर इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडन मस्क्यूलरिस्ट के लेयर्स हैं मस्कुलरिस की मसल्स हैं uh, uh, है, और ये पेरिस्टाल्ट मूवमेंट ऑल अलोंग द एलिमेंट्री कैनाल होती ही रहेंगी ठीक है तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है चलो आगे चलते हैं दिस मूवमेंट हेल्थ इन द दर मिक्स ऑफ द फूड ब्ला ब्ला ये सब ऐसे ही लिखी है लाइन बट मतलब ठीक है ये कह रहा है कि उसको नीचे ले जाने में हेल्प करता है हमें पता है इस बात का ठीक है आगे बढ़ते हैं अच्छा अब आते हैं सही है ना ये हाँ सही है ये ये हमने आगे पीछे तो नहीं हो गया ये नहीं नहीं ठीक चल रहा ठीक चल रहा ना ये हाँ ठीक है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, है. चलिए हाँ सो so, ये कहता है द बाइल देंटिक जूस एंड द इंटेस्टिनल जूस आर दिक्रीशन रिलीज इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन अब देखिए बेटा अभी हमको पता था ये हमारी ईसोफ था दिस वॉज अवर स्टमक ठीक है ये हमारा स्टमक है और स्टमक से जैसे खत्म होता है तो वहां पे हमारा क्या शुरू होता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन तो ये हमारी बाहर की तरफ को हमारी लार्ज इंटेस्टाइन रहती है ऐसे करके आपको पता ही है ये हमारी फॉर्मेंडिक्स होगा यहाँ पे इस तरफ भी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होगी बीच में जो आपकी होगी बेटा दैट वुड बी योर स्मॉल इंटेस्टाइन है ना इस तरीके से बना होता है ऐसा करके होता है आपको कुछ कुछ डायग्राम है ना ऐसा ही कुछ होता है तो कहता है कि ये जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का इसको हम कहते हैं ड्यूडिनम बिल्कुल सही जवाब ठीक है अभी कहता है डिओडिनम के ऊपर वाले हिस्से में बेटा आपका प्रेजेंट होता है यहां पे लिवर यहां पे होता है लिवर और यहां होते हैं हमारे पैंक्रियाज ठीक है तो पैंक्रियाज और लिवर मिलके अपना हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू डिओडिनम में अपनी सिक्रेशन डालते हैं गैस्ट्रिक जूसेस तो इसमें आ ही चुके हैं प्लस अब स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपनी सीक्रिशन जो है वो डालना शुरू कर देता है इसमें तो इसी बात से मुझे याद आया आप प्लीज मुझे बताएंगे कि ड्यूडिनम में कौन से ग्लैंड प्रेजेंट हैं बताओ ड्यूडिनम में स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है यहां पे चलो शाबा जल्दी बताओ ड्यूडिनम में कौन से ग्लैंड प्रेजेंट है शाबाश योगेंद्र नवनीत वैष्णवी बहुत बढ़िया

चार ठीक है, है? चलो 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 छीन छीन लिए लिए से मजा आया, चलो आगे चलते हैं, चलो, very good, बहुत बढ़िया। अब ये क्या कहता है? तो अभी हमारे डिओडनम में काफी ज्यादा मिक्सिंग हो चुकी है बाइल जूस भी पहुंच चुका है पेंक्रियाटिक जूस भी पहुंच चुका है गैस्ट्रिक जूस तो ऑलरेडी है और सक्कस और हो गया वहां पे सक्कास इंटरस है ना चलिए तो अब चलते हैं पेंक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज थ्रू द डक्ट हमको पता है इसको हम डक्ट कहते हैं जो एक साथ मिलती है यहां पे हमको तो पता है पहले से ठीक है अब बात करते हैं कि पेंक्रियाटिक जूस में बेटा क्या क्या होता है ये अब कैच पहली बात पेंक्रियाटिक जूस को ये जो आपका पेंक्रियाटिक जूस लिखा है ना बेटा ये इसको हम लोग कंप्लीट जूस कहते हैं कंप्लीट जूस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आपके क्या क्या मिलते हैं आपके मिलते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेजिस ठीक है प्रोटीएजिस लाइपेजिस एंड न्यूक्लिए क्या बोला मैंने आपके कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने वाले भी मिलेंगे ठीक है आपके उसको भी ब्रेक करने वाले मिलेंगे प्रोटीन को भी फैट्स को भी और न्यूक्लिक एसिड्स को भी इसलिए सारे इंजाइम इसलिए हम इसको कहते हैं कंप्लीट जूस समझ आ गया सबको हाँ ये नोट करना है आप ऑल डाइजेस्टिव का अच्छा इसमें तो सबसे पहला है आपके प्रोटीएजेस के बारे में बात करते हैं प्रोटीएजेस तो देखें बेटा कितने प्रोटीएजेस हैं यहां पे तो देखो यहां पे क्या लिखता है ये ट्रिप्सिनोजन काइमो ट्रिप्सिनोजन प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेजिस सो नंबर एक नंबर दो नंबर तीन ठीक है नंबर एक ट्रिप्सिनोजन नंबर दो काइमोट्रिप्सिनोजन एंड नंबर थ्री प्रोकार्बोक्सीपेपटाइडेजिस तीनों के तीनों आपके प्रोटीएस हैं ठीक है ना सो नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री ये तीनों क्या हैं आपके प्रोटीएजिस ठीक है नंबर दो नंबर दो है बेटा आपके अमाइलेजिस तो ये आपका पेंक्रियाटिक अमाइलेज है बेटा और पेंक्रियाटिक अमाइलेज का दूसरा नाम क्या होता है मैंने आपको क्या बताया था इसको हम कहते हैं अमाइलॉपिन कितना परसेंट स्टार्च कोई जो है डाइजेस्ट करता है विच कितना परसेंट स्टार्च को डाइजेस्ट करता है बेटा ये करता है आपका सत्तर परसेंट स्टार्ज को जो है वो डाइजेस्ट करता है सत्तर परसेंट को बिकॉज थर्टी परसेंट इज ऑलरेडी बीन डाइजेस्टेड हम्म ठीक है हमारे इसको कहते हैं। चलिए वो हो गया तीसरा आपका आया लाइपेस तीसरा आया आपका लाइपेस जो कि लिपिड, फैट डाइजेस्टिंग लाइपेस का दूसरा ना, नाम है स्टीपसिन स्टीपसिन भी कह देते हैं इसको लाइपेस का दूसरा नाम है स्टीपसिन कृपया इसे भी नोट कर लें ठीक है एंड उसके बाद में बेटा आपके आ गए न्यूक्लियस तो नंबर चार आ गया आपका न्यूक्लियजिस तो ये सारे इंजाइम जो हैं हमारे निकल निकल के आ गए ये कंप्लीट जूस कौन सा जूस है आपका पेंक्रियाटिक जूस ठीक है तो ये सारे हो गए यहाँ पे डन वेरी गुड तो अब ये कहता है ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड अब ये जो नेक्स्ट लाइन है ना ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आई थिंक इट हैज बीन आज इन द पेपर कम से कम भी हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार आई मुझे पता भी नहीं है बहुत बार पूछी गई है तो चलो इसको इसको हाईलाइट करो is activated by an enzyme enterokinase. Enterokinase, enterokinase को तो तुम ना मतलब किसी और पेन से हाईलाइट करना सिक्रिटेड बाय द इंटेस्टिन म्यूकोजा इंटू एक्टिव ट्रिप्सिन activates the other अदर in इन pancreatic जूस क्या कहता है इसका क्या मतलब हुआ हां इंटेरो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है देखो ये नोट 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 कर लिया होगा तुमने मैं तो क्या ही करा था का तो आपका, आपका पेंक्रिया से ठीक है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है एक एंजाइम जिसका नाम है एंटेरो काईनेस। एंटेरो काईनेस। है एंटेरो नाम में एंटेरो है मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से आया है ठीक है तो जो है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्स में कन्वर्ट करता है और ये कहां से आया है एंजाइम ये आया है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोजा से आया है म्यूकोजा से जो इंटेस्टिनल ग्लैंड आपके म्यूकोजा में ही प्रेजेंट है वहां से आया है ये समझ में आ गया डन है इसके अलावा यहां पे एक और चीज लिखी हुई है ट्रिप्सिन इंटर्न ट्रिप्सिन इन टर्न कैन एक्टिवेट सेल्फ एक्टिवेट इट इसको हम कहते हैं ऑटो कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑटो कैटालिटिक प्रॉपर्टी तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी याद हो रहे हैं आप बोलोगे ये तो मैम आप हमारे एनसीईआरटी में है ही नहीं ट्रिप्सिन के पास में ऑटो कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, है ना? मतलब अगर ये एक बार एक्टिवेट हो गया तो ये बार बार खुद को एक्टिवेट कर फिर इसको की जरूरत नहीं होती है फिर इसको एंटेरोनिस की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये खुद को खुद ही एक्टिवेट कर सकता है एक बार अपने अपने दोस्त को अगर डॉक्टर बनते हुए देख लिया है ना चाहे वो एक साल बड़ा ही था बड़ा ही था आपसे आपके इसमें मन में आ गया अरे यार उसके तो चार चांद लग गया उसके नाम के आगे तो ये वो सब सो आई थिंक कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी हैपनिंग होती है जो हमारे को ना लाइफ में पुश करने के लिए काफी होती है खुद सेल्फ मोटिवेशन और ऐसा कहते हैं कि अगर सेल्फ मोटिवेशन अगर खुद से आ जाए ना अंदर से मोटिवेशन तो वो सबसे बड़ी मोटिवेशन है मैं मजाक नहीं कर रही सच में अदरवाइज बाहर से मोटिवेशन हम लेते रहते हैं सुनते रहते हैं वो भी बढ़िया चीज है जब तक नहीं आती तब तक वही करना चाहिए लेकिन जिस अंदर से चिंगारी उठ गई ना तो वो बहुत दूर जाती है मतलब बट तुम लंबा जाओगे फिर तो ध्यान रहे है ना ऐसे ऐसा मौका कभी आए तो बस उसको सुन लेना और उसको पकड़ के रखना ठीक है एनीवेज तो ऑटो कैटलेटिक प्रॉपर्टी है ट्रिप्सिन के पास में और हाँ रहा? चिन, क्या कहती है मैम एक्सपीरियंस हाँ क्या एक्सपीरियंस अरे क्या बात है बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस क्या तो बहुत बढ़िया हाँ बेटा मैं आपको कह रही थी दैट ट्रिप्सिन बेटा इसके अलावा आपका किस किस को एक्टिवेट कर सकता है ट्रिप्सिन बीटा हमारा एक्टिवेट कर सकता है प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस को कार्बोक्सीपेप्टाइडेस को इसको भी एक्टिवेट कर सकता है ये ठीक है उसके अलावा काइमोट्रिप्सिनोजन को यू रिमेंबर इसको भी एक्टिवेट कर सकता है ये तो ट्रिप्सिन के पास में ये हरी झंडी है इनको दिखाने के लिए तो ट्रिप्सिन खुद को भी एक्टिवेट कर सकता है और ट्रिप्सिन प्रोकार्बोक्सी और काइमोट्रिप्सिन को भी एक्टिवेट कर सकता है डन हो गया ये डन हो गया ये पार्ट हो गया हो गया ना चलो 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 जिसका जाके कह रहे मैम हमारे बीच में तो महान बच्चे इतने हैं ना, मैम जिसका जाके ही आ चुका है मतलब जा ही चुका है वो वाला टाइम ऐसा नहीं होता यार जब लाइफ में ऐसा टाइम आता है तो हमारी ऑटोमेटिकली वो पहचान आ जाती है वो. और हम ना यूजुअली उन लोगों को गालियां देते हैं जिनकी वजह से हमने ये टाइम देखा होता है

नीट से पहले की थी हमने टेन आवर्स की वीडियो मैं पूरा जोलजी कंप्लीट किया था याद होगा आप सबको है ना हाँ तो देखना वो बट इट्स खाली ड्रॉपर्स देखना हा? जो फ्रेशर्स लोग हैं वो मत देखना हाँ नीट रात्रि वाला हाँ 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 हा, नीट रात्रि वाला हाँ मजा आया था उसमें है ना हालांकि दो तीन तक आई इफेक्ट्स रहे थे मेरे पास उसके नीट रात्रि यस 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 नीट रात्रि है ना हम नया बच्चा होगा ना कोई तो अभी भी देखा होगा उसने एनी कोई बात नहीं थैंक यू बेटा और चलो चलते हैं फिर आगे चलते हैं यार यहाँ जी तो बेटा हमने अभी तक ये कहानी सारी पढ़ ली एंटेइनस की ये सारी हम कहानी पढ़ चुके हैं तो अब हमारी कहानी यहां तक खत्म हो चुकी है अब हम चलते हैं बाइल जूस की कहानी पढ़ने ठीक है बाइल जूस में देखें बेटा द बाइल रिलीज इन टू द डिओडनम कंटेन बाइल पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं बेटा बिली रूबिन एंड बिली वर्डिन बिली र्यूबिन एंड बिली वर्डिन तो सबसे पहले बेटा बाइल जूस में हमारे क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए बाइल जूस में आपके होते हैं एक तो पिगमेंट्स होते हैं जो कि वेस्ट है और एक होते हैं बाइल सॉल्ट आपके काम की चीज यही होती है तो अभी हम लोग पिगमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये बेटा आपके पिगमेंट्स के बारे में ही लिखा है बिली वर्डिन एंड बिली रूबिन आपको पता है लिवर में अरे अच्छा ये क्वेश्चन छोड़ो पहले पहले मुझे ये बताओ हाँ इंजाइम एबसेंट है बिल्कुल सही बात है विजय मुझे ये बताओ एक आरबीसी की कितनी लाइफ होती है

<laughs> सुनने में कितना अजीब लग रहा है बेटा बनानी <laughs> पड़ेगी कहानी इस तरीके से तो बेटा उसको हाँ मरने शांति से मरने की जगह इसमें दो हैं एक है स्प्लीन जिसको हम ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं और दूसरा एक और एक और जगह है स्प्लीन के अलावा शाबाश तुम बता दोगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा नहीं स्प्लीन के अलावा भी और कहीं मरने जाते हैं वो बताओ <laughs> कहा जाते हैं शाबाश योगेंद्र ने कहा मैडम लिवर सही जवाब तो शांति से मरने की एक और जगह है उनके लिए लिवर एक तो स्लीन हो गई एक लिवर है उनकी शांति से मरी की जगह लिवर में जाके वो शांति से ब्रह्म में मिल जाते हैं अब आगे की कहानी अब वो तो खुद तो गए साथ में छोड़ गए हमारी पिगमेंट्स क्यों उसमें हेमोग्लोबिन था हेमोग्लोबिन भाई साहब बिली रूबिन और बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो गया तो लिवर को काम देखो देखो मेरे मरने के बाद तुम इनको बॉडी के बाहर निकाल देना आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरिन और थ्रू दॉडी के लिए तो यूरीन के थ्रू बाहर, बाहर. ठीक है अगर ना जाए अगर ना जाए बेटा तो हमारी बॉडी में रहिश्यू को स्टेन कर हैं और हमें जॉन्डिस हो जाता है अभी कहते हैं ना लिवर अच्छे से नहीं अगर काम कर जॉन्डिस हो गया जॉन्डिस क्या होता है ये जो पिगमेंट है ये बॉडी के अंदर ही रह जाते हैं और हमको पता चल जाता है कि भाई हमारा जो लिवर है ना अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो हमको जॉन्डिस हो गया है तो डॉक्टर फिर आपका लीवर जो है वो क्योर करने की कोशिश करता है तो ठीक है तो ये बेटा ये होता है ठीक है समझ में आ गया होगा अभी तक आपको तो पिगमेंट जो है ये बॉडी से बाहर जाने हैं बिली ब्रूबिन एंड बिली वॉर्डिन क्लियर है इसके अलावा बाइल सॉल्ट के बारे में बात करें बेटा बाइल सॉल्ट बहुत सारे होते हैं सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम टोरोकोलेट सोडियम ग्लाइकोलेट ये जितने भी सारे हैं आपके ये सारे बाइल हैं। काम है इनका एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स काम है इसका एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स बाइल जूस डज नॉट हैव एनी एंजाइम डज नॉट हैव एनी इंजाइम इसमें कोई इंजाइम जो है आपका नहीं होता है ठीक है बेटा और एक और बात मेरी माने आप जो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करता है मतलब अगर एक सिंपल भाषा में आपको बताना हो बड़े बड़े फैट के गोलों को कट करके छोटे छोटे फैट्स के गोलों में कन्वर्ट कर देना ताकि इस पर लाइपेज अच्छे से एक्ट कर सके ये सारी है ना कहानी किस लिए बनाई जा रही है लाइपेज के अच्छी तरीके से आक, आक करें है ना समझ आया सबको ठीक है डन है तो बड़े बड़े फैट के गोलों को छोटे छोटे कर देना। कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स बट नो एंजाइम्स है ना फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं इसमें बट कोई एंजाइम इसमें नहीं होता है ठीक है हुँ. bile helps in emulsification of the fats that is breaking down the fat into very small micelles ha to i think word hum kya use kar sakte hain yahan pe micelles m i c e l l e s to beta iske liye hota hai bile also activates lipases कैसे activate एक्टिवेट करता है लाइपेजेस को वैसे ही ठीक है ना उसको छोटा छोटा जैसे आपको हमने क्या किया मैंने आपको दे दिया वन शॉर्ट वीडियो ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एक साइड में फटाफट भाग क्या आ गया उधर है ना कि ये इतनी बड़ी चीज को ऐसे छोटे इसमें दे दिया है सो इट इज लाइको एक्टिवेट गुड बहुत ही बढ़िया हम्म शाबाश शाबाश शाबा, शाबा. चलिए चलिए अब चलते हैं अब आगे चलते हैं बेटा तो ये हमारा जो है पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है अब हम लास्ट पैराग्राफ पे चलते हैं इस पे इंटेस्टीनलोज में बेटा क्या होते, होते हैं मैं पहले आपको बता चुकी हूं आपको होते हैं, है ये. जो है हैं मतलब एक ही सेल होता है वही ग्लैंड कितना है और म्यूकस सिक्रीट करते हैं जानते हैं सब इसको जानते हैं सब इसके बारे में बहुत बढ़िया ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकोजा

तो इसने क्या क्या बोला है इसमें इंटेस्टिनल जूस में क्या क्या है है ना देखा ना आपने इंटेस्टिनल जूस है तो उसमें क्या है म्यूकस भी है द सीक्रेशन ऑफ द ब्रश वाटर सेल्स ऑफ द म्यूकोजा अलॉन्ग ऑफ द गॉबलेट सेल्स ठीक है ना तो आपका म्यूको म्यु, मतलब म्यूकोजा के आपके जो ग्लैंड है उसका सीक्रिशन म्यूकोजल ग्लैंड आपको पता ही मैंने आपको पहले ही बता के रखा है कि जितने भी आपके ग्लैंड प्रेजेंट होंगे वे म्यूकोजा में ही प्रेजेंट होंगे Except for one gland, जो कि में में होता है. Plus, आपका mucus, जो goblet cells में होता है, है, है है? आपका म्यूकस तो इन दोनों को हम intestinal juice कहते हैं, हैं, जिसका नाम ठीक चलिए आगे चलते एंजाइम्स अब यहां पे आपको पता है बेटा कर ना ये? अब आपको पता है ना कि अब यहाँ पे आपकी डाइजेशन कंप्लीट होने वाली है जितना भी कुछ बचा होगा ना उसको सब चीज को स्मॉलर यूनिट में जो है कन्वर्ट करने का टाइम आ गया है लाइक फॉर एक्साम्पल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज बनाने का टाइम आ गया है प्रोटीन को अमीनो एसिड बनाने का टाइम आ गया है लिपिड्स या फैट्स को फैटी एसिड्स प्लस ग्लिस्ट्रोल बनाने का टाइम आ गया है न्यूक्लिक एसिड्स को शुगर फॉस्फेट और क्या होता है नाइट्रोजनस बेस बनाने का टाइम आ गया है ठीक है तो हमें वो चाहिए तो चलिए बेटा देखें दिस जूस कंटेन अ वाइटी ऑफ एंजाइम्स लाइक डाइसेकर एग्जाम्पल है? नोट करते जाना तो माल्टेज एक हो गया आपका डाइसे हो गया नंबर एक नंबर दो डाइपे ठीक है लिखते जाओ में ठीक है? नंबर तीन लाइपेजिस तो इसका भी अपना लाइपेस होगा भाई एक तो अभी हमारे के दो बार लाइपेजेस आ गए लाइपेस में था एक और आपके पेंक्रियाटिक्स में था न्यूक्लियोसाइडेजिस है एक और गया आपका न्यूक्लियोसाइडेस जो न्यूक्लियोसाइड्स को कन्वर्ट करेगा शुगर प्लस फॉस्फेट शुगर प्लस नाइट्रोजन बेसिस में हाँ ठीक है द म्यूकस अलोंग विद द बाइकार्बोनेट्स फ्रॉम द पेंक्रियास प्रोटेक्ट द इंटेस्टिनल म्यूकोज़ा फ्रॉम एसिड एज वेल एज प्रोवाइड एन अल्कलाइन मीडियम पीएच 7.8 फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज यहां पे एक और चीज आपकी आई बेटा कि पेंक्रियाटिक एंजाइम के लिए ऑप्टिमल पीएच क्या है पेंक्रियाटिक एंजाइम्स के लिए या फिर जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एंजाइम्स हैं इनके लिए ऑप्टिमल पीएच क्या है बेटा 7.8 7.8 आपकी ऑप्टिमम पीएच है तो ये क्या हुई स्लाइटली एसिडिक हुई या स्लाइटली बेसिक हुई शाबाश, जल्दी बताओ इट इज स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली बेसिक इट इज बेसिक स्लाइटली बेसिक भी बोल दो बेसिक बोल दो चलेगा स्लाइडली बेसिक और बेसिक चलेगा एकदम चलेगा दौड़ेगा भागेगा एकदम तो देखो 1.8, 7.8 और 6.8 मजा ही आ गया नहीं माउथ <laughs> में 6.8, 6.8 थी ना मैं झूठ मैं मैं कोई गलत तो नहीं बोल रही हूँ सही है ना हा माउथ में 6.8 ठीक है स्लाइटली ऐसे देख स्टमक में 1.8 ठीक है और यहां पे आ, आपके इंटरस्टाइन में इट इज सेवन पॉइंट एट डन डन है ना सही बात होगी भाई ठीक है तो आपकी ऑप्टिमम पीएच की आपको याद रखनी है इसमें से आपको एन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकते हैं ठीक है मैम कलर चेंज करो ना प्लीज किसका कलर चेंज करे भाई जैकेट का इसका इसका कलर चेंज करो नहीं दिख रहा क्या सही से लास्ट <laughs> लाइन को भी नोटिस कर लो हम इसको हजार बार डिस्कस कर चुके हैं बस समूकोजल ग्लैंड ब्रनर ग्लैंग आर आल्सो आल्सो विल आल्सो हेल्प इन दिस तो हम इसके बारे में बात कर चुके हैं तो ये हो गया है ठीक है ये कर दिया कलर ब्लाइंड क्या बात कर रहे अरे ऐसे मत बोलो यार ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए कलर ब्लाइंड ही बोला <laughs> वो मजाक कर रहा होगा कलर ब्लाइंड नहीं होगा यार कैसी बातें कर रहे हो तुम बुरा मान जाएगा इसको बुरा लगेगा है ना चले फिर यार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी इसके बाद में क्या है इसके बाद में कुछ छूटा मतलब अरे मेरा वो वही नहीं मिल रहा आगे करने वाला भैया कहाँ चले गए आप हाँ ये रे ये रे भैया चलो क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बाद है अभी इसके बाद क्या है अच्छा इसको खत्म कर लेते हैं ना ये तो हम कर ही चुके ये तो हम कर ही चुके इसके बाद इसके बाद क्वेश्चन करते हैं ये लास्ट ही राय है ना इसको कर लेते हैं नहीं ये कर लेते हैं ना ये तो कर ही हैं इसका इसका हम वैसा तो आए। इसका तो आए हम 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 लोग लोग वैसा तो 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 कर 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 ही 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 आए आए इसमें कुछ तो करना है 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 चुके हैं इसको ठीक तो, हाँ, बस ये है। तो ये है आपकी प्रोटीन की जो है बेटा डाइजेशन उन्होंने बताई है तो देख लो तो प्रोटीन हो चाहे पेप्टोन्स हैं चाहे प्रोटीओज हो ट्रिप्सिन कार्बोक्सीपेप्टीडे एक्ट करेगा बेटा और इसको डाइपेप्टाइड्स में चेंज कर देगा ये आपके इंजाइम्स हैं। आपको पता है ना ये आपके पेंक्रियाम जो है वो कर रहे हैं ठीक है, 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 है सारे सारे हालांकि इनका डिफरेंट थोड़ा डिफरेंट इनका फंक्शन होता है ट्रिप्सिन का काइमो को बट अब इतना काफी है आपके लिए मैटर कार्बोहाइड्रेट्स इन द काइम आर हाइड्रोलाइज बाई पेंक्रिया जिसका नाम है अमाइलिन

आगे चलते हैं लास्ट स्टेप जो अभी हमने थियोरेटिकली कर लिया बेटा जो कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन सक्कस वाला ग्रुप सक्कस इंटेरिकस वाला ग्रुप है वो आइए देखें कितना बढ़िया दिख रहा है यहां पे देखो सारा काम खत्म कर दिया हमारा. को, ये सारा का सारा सक्कस इंटेरिकस है आपका सक्कास मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस है ये वहां से इंजाइम को उठाया गया है माल्टेज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज लैक्टोज लैक्टेज ने एक्ट किया ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज ठीक है सुक्रोज सुक्रेज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज ठीक है लास्टली लास्टली न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोटाइडेजिस न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट किया इसको यहां पे फॉस्फेट ग्रुप डिफरेंट हो गया शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस बचा ठीक है फिर न्यूक्लियोसाइडेजिस एक्ट किया और शुगर्स को भी अलग कर दिया और बेसिस को भी अलग कर दिया हो गया अब भाई साहब आपके पास आ चुका है एकदम बढ़िया मटेरियल ये एकदम हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जाके एब्जॉर्ब हो सकता है सीधा ग्लूकोज तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं ऐसा ग्लूकोन डी जैसा क्यों खाओ सीधा एब्जॉर्ब मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी ठीक है ना हाँ हाँ बायो पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा मैंने आपको पहले ही कहा था बायोमोलिक्यूल्स पढ़ के आना ठीक है तो अमीनो एसिड्स ग्लूकोज सीधा एब्जॉर्ब गैलेक्टो सीधा एब्जॉर्ब गोज सीधा एब्जॉर्ब फ्रैक्टो सीधा एब्जॉर्ब शुगर बेसिस सीधा हा? ठीक है हाँ, अगर बायोमोलिक्यूल पढ़ना ही मैं कहती हूं कोई भी स्टूडेंट है कैसा भी स्टूडेंट है पहले से पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा है प्लीज बायोमोलिक्यूल्स पढ़ो पहले आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये चैप्टर डाइजेशन इसीलिए ना एनसीईआरटी वाले में उस ऐसे इस तरीके से बनाया है उसको ठीक है और ये फैटी एसिड प्लस ग्लेस्टरोल ये भी आपका ठीक है डायरेक्ट एबजॉर्प अब आपका डाइजेशन हो चुका है कि इसकी होती है और कैसे कैसे होती है ठीक है. है तो यहां पे लिखा मॉलिक्यूल्स जो कि आपका रेटनेट में मिलते हैं रेटनेट में मिलते हैं ना आपका एसिड इनसोल्यूबल पूल जो होता है अगर बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है आपने तो तो रेटनेट जो है आपका उसके जो बायोमैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं तो वो आकर्ष्यूडिनम अब आपके आ हाँ चुके हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और वो बायो में कन्वर्ट हो चुके हैं जो कि आपका फिल्ट्रेट था है ना एक एसिड पूल था खैर पढ़ना आज जाके द द सिंपल सब्सटेंसेस आर इन जेजिनम एंड इलियम रीजन ये भी आपको आ सकता है पता होना चाहिए आपको ड्यूडिनम में आपकी डाइजेशन होता है एबजॉर्बिनम एंड इलियम दोनों में होगा जेजिनम में भी होगा बेटा

ठीक है इस बात का ध्यान रखना है तुमने अब चलते हैं बेटा लास्ट हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट पे नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन द द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्बशन ऑफ सम मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स वॉटर का सम वॉटर सम मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स जो हम लोग दवाई वाई खाते हैं तो वहां पे जाके जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है नंबर एक नंबर दो सिक्रीशन ऑफ द म्यूकस विच हेल्प इन एडहरिंग द वेस्ट अनडेस्टेड पार्टिकल्स एंड लुब्रिकेटिंग इट फॉर एन इजी नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा ठीक है ना अब देखें तो बेटा अगर अगर हम लोग क्या करते हैं पानी ज्यादा नहीं पीते हैं सबने ऑब्जर्व किया होगा ये है ना बायो के स्टूडेंट है तो कोई बात नहीं वी कैन टॉक अबाउट इट ठीक है ना विदाउट हैविंग एन इक फीलिंग आह क्या बात करो लाइक दैट सो क्या पानी नहीं पिया है तो हम सब ने ऑब्जर्व किया होगा खुद में यू हैव अ हार्ड टाइम इन द मॉर्निंग वेन यू गुड रिफ्रेशन अपी सेवरी बॉडी बॉडी इज डिफरेंट योर सबके साथ होता है ऐसा ठीक है सो लाइक दैट वाई बिकॉज आपकी बॉडी बहुत स्मार्ट है जितना भी लार्ज इंटेस्टाइन में पानी उसके लिए अवेलेबल होगा सारा कर करेगी तुम तो नहीं पानी पियोग इट विल गिव यू हार्ड टाइम है ना बाउल मूवमेंट बहुत टफ कर देगी आपका प्लीज ड्रिंक वाटर एंड <laughs> आस्क अदर पीपल्स टू ड्रिंक वाटर एज वेल हाँ हाँ बिल्कुल तीन लीटर पानी पियो एकदम पियो ठीक है हाँ हा, वी ऑल अस एनीवेज तो चले आगे चलते हैं देखना के बीच में प्रेजेंट होता है इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है सीकम पहला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का ठीक है बेटा विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द फीकल मैटर बिल्कुल सही इट स्टोर्ड इन द रेक्टम टिल डिफिकेशन

आपके कचौड़ी जो भी है समोसा पिज़्ज़ा, ब्ला बर्गर -ब्ला -ब्ला, ये वो श, एन नंबर ऑफ़ थिंग्स जो भी है मतलब आपके लिए. <laughs> तो वो खाना है, वो अभी बहुत फास्ट तो नहीं बोल रही हूँ समझ आ रहा है ना तुमको <laughs> समझ आ रहा है ना हाँ बस ये लिखा हुआ यहाँ पे सिग्नल्स

तो मैं आपको पांच का एक चार्ट दे दूंगी आपको खाली उसको याद कर लेना है उसी में से आपको क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं ठीक है ये यहाँ पे यही बताया गया है कि आपका ये जितना भी पार्ट है ये हॉर्मोन्स और एंडोक्राइन सिस्टम का एकदम कोलेबरेटिव जैसे कि सपोज हंगर सेंटर कहाँ होता है आपका बताओ वेयर इज हंगर सेंटर लोकेटेड हंगर सेंटर है हमारा कौन से ब्रेन का कौन सा पार्ट इसमें डील करता है बताओ शाबाश ये सबको पता होगा हम श्योर हाँ हाँ बताएं बताएं देखें देखें किसको आता है हाइपोथैलेमस क्या बात है वेरी गुड बहुत बढ़िया हाइपोथैलेमस इज हाइपोथैलमिस हंगर एंड द दटाइटिस सेंटर जब आपको भूख लगती है वो भी हाइपोथैलेमस से सिग्नल आता है सेटाइटिस सेंटर अब कहते हैं मेरा पेट भर गया लेकिन मेरा मन नहीं भरा है अब कहते तो हैं वो, वो सिग्नल कहाँ से आ रहा है कि बेटा पेट भर चुका है नहीं तो ये आगे की तरफ को आ रहा है मेरा आ रखा है आजकल ठीक है सो वो पेट जब भरने का सिग्नल आता है वो भी हाइपोथैलेमस से आता है सेंटर, आपका हाइंड में होता है, so, काम है, है का, का, तो काम न्यूरल का, का, का इस तरीके का है ना, like खैर, अभी हम लोग अगले 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 चैप्टर, उसमें करेंगे इसको अगले, अगले इस क्लास में शादी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना? अब बचा है, और बस डाइजेस्टिव दा, बस थोड़ा सा ही बचा था ये तो अगले में इसको हम कंप्लीट कर देंगे और फिर हम क्विज करेंगे तो 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 क्विज़ 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 कर लेंगे उस दिन आज का नॉर्मल है 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 ठीक है? ठीक है ना अभी बस हो गई है ना अभी 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 बस दिमाग में घुसना घुसना भी तो चाहिए? आ, भी चाहिए तो चाहिए चलो देखें बताइए कहाँ प्रेजेंट होते हैं शाबाश शाबाश शाबाश

और ड्यूडेनम के बीच में आपका स्विंसर होता है ठीक है ना स्विंसर जो है ओपन क्लोज क्लोजिंग को रोकता है उसकी ठीक है चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन और कर अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं आपको तो मैं बताऊंगी इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प इन एनी थ्रो दो हजार हाँ दो हजार अठारह में आया क्वेश्चन ये हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली

हाँ विटामिन बी मैं मारूंगी विटामिन बी ट्वेल्व लिखा तो सी आई एफ होता है वेरी गुड हाँ हाँ ठीक है कैसल इंटरेस्टिंग फैक्टर होता है हेल्पिंग इन द दॉइसिस ऑल्सो ऑल्सो फेरस फेरिक को फेरस में कन्वर्ट करते हैं ferric, ferric करते है ना फेरक फेरस फेरिक आइंस को फेरस में कन्वर्ट करते हैं एब्जॉर्बेबल यूनिट्स में एंड ऑल्सो सी आई करते हैं कैसल्स इंटरेंसिक फैक्टर ठीक है हाँ जी चलिए बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन द इंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सक्कस इज़ जो इंजाइम जोरिकस में नहीं प्रेजेंट है बेटा कौन सा इंजाइम है न्यूक्लियइडेज लाइपेज माल्टेज और न्यूक्लियस शाबाश गो ऑन कौन सा नहीं प्रेजेंट है

सो so, आप को अच्छा लगा हो आज का लेक्चर तो लाइक जरूर कर देना और अब कल छुट्टी है बट मैंने आपके लिए एक बायोटेक्नोलॉजी का वीडियो प्रीमियर करूंगी मैं एक आधे घंटे का वीडियो है वो तुमने जरूर देखना है बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन का फर्स्ट चैप्टर मतलब फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन पार्ट है वो ठीक है तो वो जरूर देखेंगे स्पेशली सीबीएसई टर्म टू के लिए बट नीट के लिए भी तुम देख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कल तीन बजे प्रीमियर होगा वो ओके okay, और शाम को सात बजे आपके लिए छोटा सा मैसेज है सो थैंक यू वेरी मच का बेटा एक बात आपको मैंने बतानी थी पहले भी आपको बताई है एड फेस्ट चल रहा है रिपब्लिक डे कल है सो हैप्पी रिपब्लिक डे इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू एंड आपके लिए बेटा वेदांतो ने एक ऑफर लॉन्च किया है जिसमें आपके जितने भी कोर्सेज हैं उसमें सब पे फिफ्टी परसेंट जो है वो ऑफ चल रहा है ठीक है तो कौन कौन से कोर्सेज हैं बेटा मैं आपको बता देती हूँ सीबीएसई टर्म टू की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए देख रहे हैं कि कहां से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और पूरी तैयारी हो जाए दिस इज द बेस्ट टाइम टू तो टेक बेटा तो ये आपका जो यू नो ऑफर है इट इज ऑन फ्रॉम टूडे इट सेल्फ फिफ्टी परसेंट आपको ऑफ मिलेगा बस आपको कूपन कोड लगाना होगा एम एस नीट बी अवेल मतलब आप अवेल कर लोगे उसको नीट ट्वेंटी ट्वेंटी टू का क्रैश कोर्स के लिए देख रहे हो बेटा दिस इज द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन और अगर आप सही तरीके से बेटा करो तैयारी तो आप बिल्कुल कर सकते हो सही टाइम पे सही तरीके से दिस क्रैश कोर्स इज गिविंग यू बोथ बिकॉज अभी टाइम भी एकदम सही है बिकॉज आज से ये क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है मार्च मिड तक ये एंड हो जाएगा तब तक नीट की डेट भी आ चुकी होगी आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका होगा आप हो गए एकदम रिविजन के लिए उस वक्त ठीक है दोनों सालों का सिलेबस ग्यारहवीं और बारहवीं का एंड का सिलेबस आपका कंप्लीट करवा देंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विद असाइनमेंट विद मॉक टेस्ट ठीक है आपके डीपीपी आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे आपके रिजल्ट का एनालिसिस भी करेंगे आपके टीचर्स डायरेक्ट इंटरेक्शन रहेंगे लाइव लेक्चर्स ठीक है इसके अलावा डाउट सॉल्विंग ऐप जो होती है सुबह से लेकर शाम तक बेटा आपकी ऑन रहती है सो माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज इफ यू कैन हमारे बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं इफ यू कैन ज्वाइन प्लीज ज्वाइन है प्लीज ज्वाइन दिस इज द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन द क्रैश कोर्स बिकॉज आपको बहुत टाइम मिल जाएगा सेल्फ स्टडी करने का और आपका सिलेबस एकदम एक्ट टाइम पे है वो कंप्लीट भी हो जाएगा और आपको कोई माइंड में टेंशन भी नहीं रहेगी ठीक है अगर आप फैकल्टी का आपको ऐसे कोई डाउट है प्लीज मत करना बिकॉज हमसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स वी हैव सीन लाइक यू नो वहां पे बैठे हुए हैं क्रैश कोर्स को कई सालों से पढ़ा रहे हैं वो ठीक है और हम लोग भी वहां पे आएंगे जैसे मैं यूपी सर और आपके एसएसपी सर जो है तो, तो इसके लिए आपको कूपन कोड लगाना है एम एस नीट एंड यूल फिफ्टी परसेंट ऑफ लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जो ये वीडियो चल रही है ठीक है बेटा सो so एम एस प्रो उन बच्चों के लिए जो बच्चे लुकआफ्टर कर रहे हैं बेटा लॉन्ग टर्म बैचेस के लिए जो धीरे धीरे पढ़ना चाहते हैं कि बेटा 2023 में अभी मेरा पेपर है 2024 में है तो बेटा ये उन प्यारे बच्चों के लिए बेबी स्टेप से आगे बढ़ना चाहते हैं so सो इसमें आपको कूपन कोड लगाना रहेगा एम एस प्रो तो इसमें भी आपको 50% परसेंट ऑफ चल रहा है ठीक है इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया इस तरीके से आपको विंडो अपेयर होगी क्लास ट्वेल्व क्लास थर्टीन क्लास इलेवन जिस भी क्लास में आप हैं सिलेक्ट कीजिए और अपना टारगेट एग्जाम जो है वो सिलेक्ट कीजिए इसमें से चाहे आप जेई के लिए हैं सी के लिए हैं सीबीएसई टर्म वन टर्म टू के लिए देख रहे हैं या नीट के लिए देख रहे हैं ना तो वो देखना ठीक है ये हमारे टॉपर्स हैं बच्चे जिन्होंने हमारा रिजल्ट प्रोड्यूस किया है और ये हमारे सिलेक्शन हैं जो कि लॉन्ग टर्म बैचेस से निकले हैं हमारे या कुछ क्रैश कोर्स के बच्चे हैं मेनी मोर टू कम द नेक्स्ट ईयर गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर टूडे एंड बस इफ यू हैव अगर आपको सेशन अच्छा लगा लाइक द वीडियो शेयर भी करना चाहते हो शेयर भी करना चाहते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर पहली बार देख रहे हो नए हो चैनल को अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना आई विल पर्सनली रिप्लाई ठीक है चलो ओके बाय बाय मिलते हैं परसों कल भी मिलेंगे तीन बजे प्रीमियर होगा बायोटेक का वीडियो ठीक है बायोटेक का और शाम को सात बजे भी प्रीमियर होगा छोटा वीडियो शॉर्ट वीडियो एक मिनट का फिर परसों मिलता है ठीक है चलो बाय 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 बाय